नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, एक ई रिक्शा है जिसका चाबी ऑन करने के बाद इसमें लाइन आ रही है लेकिन एक्सलेटर बिल्कुल काम नहीं कर रही है, गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही है, हॉर्न लाइट सब कुछ काम कर रही है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सामने एक ई रिक्शा आई हुई है, इसमें देखिए चाबी ऑन करने के बाद इसमें लाइन तो आ रही है लेकिन एक्सलेटर देने पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सलेटर दे रहा हूँ लेकिन बिल्कुल चक्का हुआ नहीं चल रहा है। बैक करने के बाद भी इसमें जो बैक हॉर्न है वो सब कुछ भी काम नहीं कर रहा है लेकिन मीटर में लाइन आ रही है। मैं बताता हूँ इसमें फॉल्ट क्या हुआ। इसके लिए सबसे पहले आपको मीटर खोलना होगा क्योंकि स्विच में भी फॉल्ट हो सकता है, इनपुट उसको आ रहा होगा, आउटपुट वो कंट्रोलर को जो 48 वोल्ट लेता है वो नहीं दे पा रहा होगा। इसके लिए आपको ये मीटर खोलना होगा। मीटर खोलने के लिए यहाँ देखिए दो नट लगी हुई होती है, एक यहाँ ये नीलो नट को आपको खोलना है। अच्छी तरीके से आप खोल ले 10 का T-ring से इस तरीके से, आप देख रहे होंगे ये नट आपको दिख रहा होगा, इस नट को आप आराम से खोल ले। इसमें दो बोल्ट लगी हुई होती है, एक यहाँ और एक इस साइड। दो नट को खोलने में आपको आसानी होगा और स्विच को चेक करने में, कभी भी होता है स्विच का तार भी टूट सकता है इसलिए भी ऐसा होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये स्विच लगी हुई है, ये स्विच में देखिए यहाँ तार लगी हुई है, यहाँ देखिए कलर को आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए दो कलर का तार है, एक रेड है एक ऑरेंज कलर है। ये इनपुट है, ये बैटरी से जो कनेक्ट होकर MCB से आती है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसके द्वारा हमें कंट्रोलर में वोल्टेज में इसके द्वारा भेजा जाता है। तो मैं इसको मल्टीमीटर से चेक करता हूँ, यहाँ वोल्टेज आ रही है। इसके लिए एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ देखिए मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर जरूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर को आप 200 पर कर ले, 200 पर करने के बाद आपको चेक करना है। यहाँ देखिए ये निगेटिव तार है, ये पॉजिटिव तार है, निगेटिव तार को आप निगेटिव में कहीं भी लगा दें, मैं यहाँ ही लगा देता हूँ। यहाँ देखिए एक्सलेटर, ये एक्सलेटर का वायर है, इसमें निगेटिव ब्लैक तार आप दिख रहा होगा इस तरह, देखिए ब्लैक तार है, देख रहे हैं ब्लैक तार, इसमें मैं निगेटिव को लगा देता हूँ। ये पॉजिटिव तार को मैं इसमें चेक करता हूँ, इसमें वोल्टेज आप मीटर पर ध्यान देंगे, मीटर का वोल्टेज देखेंगे, मीटर पे 48 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ देखिए आप दिख रहा है आपको 50-51 दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि इनपुट आ रहा है मेरा बैटरी के से जो तरफ से जो स्विच में आ रहा है वो कनेक्शन आ रहा है। मैं इसमें चेक करता हूँ, देखिए इससे तार है जो कि डायरेक्ट कंट्रोलर में जाती है, यहाँ देखिए बिल्कुल लाइन नहीं आ रही। मैं स्विच ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए स्विच ऑन करने के बाद देखिए इसमें भी वोल्टेज आ रही है, यानी कि दोनों में, इसमें इनपुट हो गया, ये आउटपुट है, देखिए आउटपुट में भी वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा ये स्विच जो बिल्कुल सही आपने मीटर में देखा। अब मैं आपको वहाँ पे जाकर बॉक्स में दिखाता हूँ, हो सकता है वहाँ बॉक्स पास कोई प्रॉब्लम होगा, इसके लिए आप इसके लिए इस बॉक्स को आप खोलें। इस बॉक्स को खोलने के बाद आपको जो कलर का मैंने आपको बताया था, ऑरेंज कलर का तार ढूंढे कहाँ है, यहाँ देखिए ऑरेंज कलर का तार है, ये ऑरेंज कलर का तार है जो स्विच ऑन करने के बाद आती है उसमें डायरेक्ट, इसमें 48 वोल्ट आना चाहिए। मैं यहाँ चेक करता हूँ, ये मल्टीमीटर मैंने लगाया, तो ध्यान दीजिएगा मल्टीमीटर पर, ये माइनस का तार, ये प्लस का तार को, यहाँ देखिए ये DC कन्वर्टर है, इसमें भी ब्लैक तार लगी हुई है, ये अर्थिंग है, इस अर्थिंग को मैं यहाँ दिखाइए इसमें इस तरह से आप डाल दे, उसका ये प्लस तार से ये तार जो आई है स्विच ऑन करने के बाद ये डायरेक्ट कंट्रोलर में जाती है, इसमें चेक करना है आपको वोल्टेज आ रही है या नहीं। यहाँ देखिए जब मैंने मीटर में लगाया है, अच्छी तरह से देखें, मीटर लगाने के बाद देखिए कोई वोल्ट नहीं आ रही, इसका मतलब है कि रास्ते में कोई फॉल्ट है, यहाँ 48 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ इस तार में लगाने के बाद मुझे 48 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ देखिए मैंने लगा दिया है, लेकिन मीटर को देखिए बिल्कुल भी वोल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि रास्ते में कहीं तार में फॉल्ट, इस तार में करंट नहीं आ रही है। अगर मैं डायरेक्ट इसमें करंट लगाऊंगा तो बिल्कुल ये काम करना शुरू कर देगा, लेकिन नहीं, स्विच ऑन होने के बाद ये आना चाहिए। चलिए मैं एक बार गर्दन के पास देखता हूँ, हो सकता है गर्दन पर अक्सर ही तार डैमेज हो जाता है। गर्दन पास पहले से भी टेप कुछ मारा हुआ है, देख सकते हैं, हो सकता है
यहाँ रास्ते में अक्सर अक्सर ऐसा ही होता है, और नीचे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर या गर्दन के पास ही तार टूटने की संभावना रहती है। मैं इसको ब्लेड के द्वारा मैं इसको काट के देखता हूँ, हो सकता है। यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे ये ऑरेंज कलर का तार है जो मैंने आपको स्विच में दिखाया था, आप देख रहे हैं। इसी तार को आपको चेक करना है, मैं काट रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है गर्दन पर टूट जाता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसा होता है। थोड़ा सा मैं और काट देता हूँ, आसानी होगा काम करने में। देखिए ब्लेड से आप इसको काट सकते हैं कवर को, ये देखिए मैंने कवर काट दिया है। ये ऑरेंज कलर का तार मैंने आपको बताया था स्विच से आया हुआ है, स्विच ऑन करने के बाद इसमें 48 वोल्ट आ रहा है। यहाँ देखिए ये तार देखिए बिल्कुल टूटी हुई है, देख रहे हैं। इसका दूसरा छोर कहाँ गया, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे दूसरा छोर यहाँ है। ये तार देखिए बिल्कुल टूट चुका है, इसी वजह से चाबी तो ऑन हो रहा है। यहाँ देखिए तार टूट चुका है, देख रहे हैं। यहाँ रास्ते में टूटने की वजह से ये इसमें करंट जो है कंट्रोलर में बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। अब देख रहे हैं इस तार को अच्छी तरह से आप काट के इसको इसमें जोड़ने के बाद करंट आ जाएगा। पहले आपको पहले वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पहले इस तार को आप माइनस में यहाँ लगा दे, प्लस के तार को मैं इसमें लगाता हूँ। यहाँ देखिए इस तार में देख रहे हैं, ये तार में मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। देखिए आप मीटर को देख रहे होंगे, इस तार तक यहाँ करंट बिल्कुल आ रही है, देखिए काम में वोल्ट दिखा रहा है। उसके बाद ये तार जो है, ये तार टूटने की वजह से कंट्रोलर में करंट नहीं जा पा रही है। अब समझ चुके होंगे आप, उसको अच्छी तरह से कैंची से आप तार को अच्छी तरीके से आप काट ले। देखिए मैंने काट लिया है, तार एक छोटा हो चुका है, इसलिए कुछ बड़ा तार मैं इसमें लगा देता हूँ। बड़ा तार लगाता हूँ, अच्छी तरह से बड़ा तार लगा ले, तार को अच्छी तरह से यहाँ जोड़ ले। ये तार छोटा हो चुका है, देखिए समस्या हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने इसको जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद इसको टेप कर देंगे, ठीक है। इस तार को मैं यहाँ देखिए मैं इसमें जोड़ दिया हूँ, अपने आवाज़ सुन रहे होंगे इस तरह से आवाज़ आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें लाइन आ चुका है अच्छी तरीका से, देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से इसको आप जोड़ दें। जोड़ने के बाद इसमें टेप मार दें, इसको ओपन ना रखें क्योंकि इसमें 48 वोल्ट आ रही है। इस तार में देखिए आवाज़ सुन रहे होंगे आप, आवाज़ सुन रहे होंगे क्योंकि लाइन इसमें आ गई, जैसे मैंने जोड़ा लाइन बिल्कुल आ गई है। अब गाड़ी का सारा चीज़ काम करेगा, स्टेटर वगैरह जितना है सारा काम करेगा। इसको अच्छी तरह टेप कर दें क्योंकि इसमें 48 वोल्ट लगी हुई होती है, अगर हल्का भी शॉर्ट करेगा तो इसमें आग लगने की संभावना होती है। इसको अच्छी तरीके से आप टेप कर लें, इस तार को भी मैं अच्छी तरह से टेप कर देता हूँ, और आप और भी अच्छी तरह से आप टेप कर ले। यहाँ देखिए इस तार को पूरी तरह टेप कर दे, क्योंकि ये तार टूटने की वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम आई है। रास्ते में ही 48 वोल्ट कंट्रोलर तक पहुँच ही नहीं पा रही थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए। गाड़ी बहुत दूर से इसको घींच के लाना पड़ा है, टोचन करके लाना पड़ गया है इसको। इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको टेप कर दे, पूरी तरह बंद कर दे, पूरी तरह बंद कर दे। देखिए अच्छी तरह टिप कर दिया मेरे की, 48 वोल्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं उसे आपको चक्का दिखाता हूँ चलता है कि नहीं। देखिए मैं चक्का दे रहा हूँ, अब चक्का पर ध्यान दें। आपने देखा मैं एक्सीलेटर लेने के बाद चक्का भी चल रहा है, ये रिवर्स है। अब ये रिवर्स में देखिए आप आवाज़ सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही है, सारा फंक्शन काम कर रहा है, अब कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए देखिए सब कुछ काम कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने बंद कर दिया, बंद हो गया, चाहे ऑन किया हो ऑन किया, और एक्सेट्रा भी आवाज़ सुन रहे हैं, सारा चीज़ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिस तरह से आपने खोला सारे नट को, उसी तरह से धीरे धीरे करके आप सारे नट को अच्छी तरह से टाइट कर ले, ढीला बिल्कुल नया छोड़े, नट को इस तरह फंसा देना है कि नट को टाइट करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप समझ गए होंगे, जिस तरह आपने खोला है धीरे धीरे करके आप सारे नट को उसी तरह से टाइट कर ले, और अच्छी तरीके से आप टेप कर दें।
गर्दन के पास अक्सर ऐसा टूटता है, इसको बढ़िया तरह से अच्छी तरीके से आप टेप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप आसानी से समझ गए होंगे। और इस तरह का अगर फॉल्ट आता है कि गाड़ी में ऑन होने हो और कोई भी फंक्शन काम नहीं करता हो, तो आप इस तरह से आप गर्दन के पास चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर जरूरत पड़ेगी मल्टीमीटर चेक कर लें, 48 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं कंट्रोलर में भी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो समझ में आ गया हो, इस तरह का कोई फॉल्ट आए तो आप आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।